गुड इवनिंग टू ऑल, कैसे हो आप लोग दोस्तों? आई होप एवरीवन इज फाइन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और मैं हूँ सागर, और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11th जुलाई, एंड टुडे इज 11th जुलाई। सो द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज टुडे। तो हम क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में। ओके, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज़ एन एनुअल इवेंट ऑब्जर्व ऑन July 11 एवरी ईयर, व्हिच सीक टू रेज अवेयरनेस ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन इशू। तो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, ये एनुअल इवेंट है, मीन्स ये वार्षिक, मीन्स हर साल मनाया जाता है, और ग्लोबली इसको मनाया जाता है, मीन्स सारे वर्ल्ड में मनाया जाता है। क्यों? अवेयरनेस करने के लिए। क्यों, क्या अवेयरनेस के लिए? जो पॉपुलेशन इशू है, मीन्स हमारे जनसंख्या का जो प्रॉब्लम है, उसको दर्शाने के लिए ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे July 11 में हर साल हम लोग मनाते हैं। तो ये क्या कह गया था, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्निंग काउंसिल ऑफ यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1989, और इसको गवर्निंग काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज़ UNDP, तो UNDP के द्वारा इसको 1989 में क्या किया था, एस्टेब्लिश किया गया था। मीन्स ये पॉपुलेशन डे हम लोग पालन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे बोलकर इसे, मीन्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का किया गया था, हम लोग एस्टेब्लिश किए थे इसे। और आगे चलते हैं, तो क्यों ऐसे मनाए गए थे, देखिए। तो एक चीज़ था जिसमें जो इंस्पायर हुआ था, क्यों इंस्पायर हुआ था, 5 बिलियन डे July 11, 1987 में हमारा वर्ल्ड का पॉपुलेशन हो गया है था, तो उसको मार्क करने के लिए और उस दिन को यादगार रखने के लिए, कब, July 11, 1987 में 5 बिलियन हो गया था। हमारे इंडियन लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़, तो आप बोल सकते हो कि 500 करोड़ ये हो गया था, कब, July 11, 1987 में। ओके, और ये क्यों हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, मीन्स जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, टू इंक्रीज पीपल अवेयरनेस ऑन वेरियस पॉपुलेशन इशूज। जैसे बोला था कौन से इश्यूज़ है, फैमिली प्लानिंग, कितने बच्चे हम लोग अपने फैमिली में कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग ज़्यादा, मीन्स छोटा परिवार करना है कि कैसे कैसे अपना फैमिली प्लानिंग करना है, उसको देखने के लिए, जेंडर इक्वलिटी, भेदभाव जैसा नहीं रहेगा, कैसे मेल फीमेल में जेंडर इक्वलिटी रहेगा, इक्वलिटी रहेगा, पॉवर्टी गरीबी रेखा जो है, मैटरनल हेल्थ जो मातृत्व का है, माँ लोगों का हेल्थ है, मैटरनल हेल्थ उसको देखने के लिए, ह्यूमन राइट्स, हमारे क्या क्या राइट्स है उससे हम लोग जानने के लिए, ये सब हम लोग ये पॉपुलेशन इशू को जानने के लिए और उसको, उसका अवेयरनेस, मीन्स उसको ख़त्म करने के लिए जो अवेयरनेस है, इस दिन में हम लोग क्या करते हैं, उसको जानते हैं। तो और ये क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो UNGA हुआ था, उसमें एक रिजोल्यूशन हुआ था, दैट इज 45/216 December 19 में, तो उनमें ये कंटिन्यू ऑब्जर्व करने के लिए वो यहाँ पे रिजोल्यूशन 45/216 December 1990 में ये हम लोग किए थे कि नहीं, इसे क्या करेंगे, वर्ल्ड वाइड पालन करेंगे, डिसाइड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ये ऑब्जर्व करने के लिए कंटिन्यू करेंगे बोलकर ये रेजोल्यूशन में उसको पास किया गया है। और
11th जुलाई 1919 से इसको फर्स्ट मार्क हम लोग किए थे कि पहले करके ये मोर देन 90 कंट्री में इसको हम लोग क्या किए उसको पालन के लिए ऑब्जर्व किए। ओके नेक्स्ट ये रहा एक छोटा सा डिस्कशन, उसमें फिर इस बार के जो थीम है वो थीम है ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन, ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन। तो क्या हुआ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स ए रेजिलियंट फ्यूचर फॉर ऑल हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटी एंड एंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइस फॉर ऑल। तो हमारा जो पृथ्वी है 8 बिलियन है उनको कैसे अपने फ्यूचर में उसको रेजिलियंट करके सबके साथ डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटी और उनका राइट्स और चॉइस को हम लोग देखकर आगे आगे हम लोग बढ़ेंगे, ये उसका थीम है। और 2021 का थीम था द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी, कैसे जो फर्टिलिटी है उसमें क्या इम्पैक्ट हुआ, मीन्स कितना ग्रोथ हुआ कितना नहीं हुआ, जनसंख्या पॉपुलेशंस उसको याद नहीं करने के लिए, और COVID-19 भी था उस टाइम, इसलिए ये थीम दिया गया है द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। सो दिस वन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे थीम ऑफ 2022 एंड दिस वन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑफ 2021। सो इन दिस वीडियो वी आर जस्ट डिस्कसिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल थिंग्स अबाउट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, आई होप यू जस्ट एंजॉय अ लिटिल बिट। ओके ये भी थोड़ा है, ओके कोई बात नहीं। यहाँ पे है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में, और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एग्जीक्यूटिव का जो डायरेक्टर है उनका नाम है नतालिया कनेम। और ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड 1969 में फाउंडेड किया गया था। ओके तो बस इतना ही आपको बताना था फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक इट। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।